नमस्कार। नाउ ट्रम्प्स रशिया यूक्रेन पीस प्लान, हेयर व्हाट्स हिज प्लान आर टू फ्री द वॉर। यहाँ पे देखिए, ट्रम्प और ट्रम्प का जो प्लान है रशिया यूक्रेन पीस को लेके, वो दुनिया हैरान हो गई है सुन के। तो इसी बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रम्प का ऐसा क्या प्लान है जिससे लोग शॉक हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, फिर जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये जानने को मिला है ट्रम्प का जो प्लान है वो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला है, रूस यूक्रेन युद्ध। डोनाल्ड ट्रम्प ने तैयार किया प्लान रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रम्प ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो पद की शपथ लेने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, और शपथ जो है ये 2025 जनवरी में लेंगे। उन्होंने अभी से इसके लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद महज 4 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप की योजना का संभावित आंखा सामने आया है। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाएंगे, जबकि जनवरी 2025 में उनका राष्ट्रपति बनना तय हो गया है, तब उन्होंने पद संभालने से पहले ही युद्ध रुकवाने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव परिणाम आने के बाद महज 4 दिनों के भीतर यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप की योजना का संभावित खाका सामने आया। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन बनाने की बात कही गई है। इस बफर जोन में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों के सैनिकों की तैनाती होगी। 20 साल तक नाटो में शामिल नहीं हो सकेंगे यूक्रेन। ये प्लान है ट्रंप का। यूक्रेन चाहता ही था कि ये लड़ाई जो स्टार्ट हुआ था ये इसी से स्टार्ट ही हुआ था, कि वो नाटो का ग्रुप में मेंबरशिप में ऐड होना चाहता था यूक्रेन। पर जो अगर नाटो मेंबरशिप में ऐड हो जाता तो यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है, और रशिया का जो कैपिटल सिटी है वो बॉर्डर से सामने लगा हुआ है, और ये अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो नाटो मेंबर का जो मिलिट्री है वो डिप्लॉय कर देगा वहां बॉर्डर के सामने। तो वो चीज जो है रशिया को अच्छा नहीं लगा, इस कारण से यहाँ पे लड़ाई हुआ था। यूक्रेन को 20 वर्षों के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़नी होगी। लेकिन ट्रंप की योजना में रूस के कब्जे में की गई यूक्रेन की करीब 20% भूमि का कोई जिक्र नहीं है। यूक्रेन का 20% जो जमीन है वो कब्जा चुका है रशिया, और इस प्लान में इसका जिक्र नहीं था। करीब 33 मंथ से जारी युद्ध में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने प्रचार के दौरान युद्ध खत्म कराने की अपनी इच्छा जता दी थी, विश्व में शांति की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस जीती तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। द टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप ने चर्चा शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं की तैनाती के बीच बफर जोन बनाने के ट्रंप की योजना के अतिरिक्त यूक्रेन को आगामी 20 वर्षों तक नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दौरान अमेरिका उसे हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा और उसकी सेना के परीक्षण में मदद देगा, जिससे यूक्रेन खुद भी मजबूत हो सकेगा। देखिए, यहाँ पे ये तो बोल दिया गया है कि नाटो में 20 साल तक वो नाटो का मेंबर नहीं बन सकता है, पर यहाँ पे ये नहीं मना किया गया है अमेरिका के तरफ से कि उसको हथियार नहीं दिया जाएगा। हथियार मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, ताकि वो अपना रक्षा कर सके, और दोनों देशों के बीच में बफर जोन बनाया जाएगा 800 मील का। अमेरिका नहीं भेजेगा सैनिक। ट्रंप ने नजदीकी लोगों के मुताबिक जो योजना तैयार हुई है उसमें 800 मील के बफर जोन में तैनाती और गश्त के लिए अमेरिका अपना कोई सैनिक नहीं भेजेगा, ना ही वहां के गतिविधियों के लिए कोई आर्थिक सहायता देगा। वहां पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों को अपने सैनिक तैनात करने होंगे, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को बफर जोन की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालनी होगी। जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को मिला। विदित हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ट्रंप को जीत की बधाई देने वाले पहले विदेश नेता थे। उन्होंने ट्रंप सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परिणाम आने के 2 दिन बाद ट्रंप को बधाई दी। युद्ध के विषय में ट्रंप के बयानों पर रूस ने संतुलित टिप्पणी की है। पुतिन ने ट्रंप के बयान की सराहना की है। जो ट्रंप का जो प्लान है, जो उन्होंने प्लान बनाया है यूक्रेन और रशिया युद्ध को रोकने के लिए, उसको जो है पुतिन वेलकम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और रूस के साथ संबंधों को बहाल करने के बारे में उनका बयान ध्यान देने योग्य है। पुतिन ने कहा कि रूस के युद्ध संबंधों को बहाल करने, यूक्रेनी संकट को खत्म करने की इच्छा के बारे में जो कहा गया है, मेरी राय है ये कम से कम ध्यान देने योग्य है। पिछले महीने उपराष्ट्रपति चुनाव जेडी वेंस ने भी इसी तरह के विचार सामने रखा था। उन्होंने सेना की तैनाती को खत्म करके दोनों ओर स्वायत्त क्षेत्र कायम करने और यूक्रेन को नाटो से बाहर रखकर युद्ध को रोकने की बात कही थी। पीस प्लान को एलन मस्क की मंजूरी। हालांकि नई योजना को पहले ही एलन मस्क की मंजूरी मिल चुकी है।
अब आप सोच रहे हैं एलोन मस्क की मंजूरी का क्या मतलब होता है। एलोन मस्क थोड़ी संभालता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये तो अपना प्राइवेट सेक्टर जो है वो चलाता है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर एलोन मस्क जो है वो अभी बहुत मदद किए हैं ट्रंप को लेके, तो इसका जवाब जो है वो भी महत्व रखता है, जिन्होंने ट्रंप की जीत में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। मस्क ने एक्स पर कहा कि बेवकूफी भरी हत्या जल्द ही खत्म हो जाएगी, युद्ध के लिए तैयार मुनाफाखोरों का समय खत्म हो गया है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप का दावा है कि वह यूक्रेन में संघर्ष को जल्द ही हल कर सकते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने बार बार कहा है कि वह 24 घंटे में जंग खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन की प्रतिक्रिया क्या है इसमें? यूक्रेन के विदेश मामलों की समिति के सदस्य अलेक्जेंडर मरेजुको ने कहा है कि क्रीमिया रूस के हवाले करने वाले किसी भी समझौते पर यूक्रेन के सहमत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है कि हम समझौता कर लें जो हम लोग का 20% हिस्सा जो छीन के रखा हुआ है रसिया। उन्होंने कहा हर नजरिए से हम सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे संवैधानिक कानून के तहत इसका सवाल ही नहीं होता है। संविधान किसी भी सरकार या राष्ट्रपति को अपनी इलाकाई अखंडता को भंग करने या इसे दूसरे देश को देने की इजाजत नहीं देता है। उदाहरण के लिए क्रीमिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह असंभव है राजनीतिक रूप से भी यूक्रेन में किसी राष्ट्रपति के लिए यह असंभव है। हमारे हिसाब से इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। वहीं जेलेंस्की सलाहकार दिमित्रो लिडविन ने लांजा की टिप्पणी को यूक्रेन पर शांति के लिए दबाव डालने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये पुतिन है जो जंग चाहते हैं। उन्होंने कहा मोर्चे पर हुई झड़पों में पुतिन ने अपने सबसे अधिक लोग खोए हैं। इसका क्या मतलब है? ये स्वाभाविक है कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। यूक्रेन 2022 से ही शांति का प्रस्ताव देता आया है और उसने कई व्यावहारिक प्रस्ताव रखे हैं। रूस को बताना होगा कि शांति जरूरी है और शांति टिकाऊ होनी चाहिए ताकि दोबारा यूक्रेन पर रूसी हमला ना हो सके। जो जेलेंस्की के सलाहकार है दिमित्रो लिटविन, वो भी देखिए जेलेंस्की का साथ देते हैं, साथ दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें लड़ाई में सबसे ज्यादा पुतिन का ही नुकसान हुआ है, पुतिन के ज्यादा लोग मरे हैं और वो चाहता है कि लड़ाई चलते रहे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि जो प्लान है ट्रंप का वो किस प्रकार से काम करेगा। अब ये प्लान देखिए कब लागू किया जाता है और लागू होने के बाद कब तक ये युद्ध रुकवाया जाता है, और इससे देखिए यूक्रेन जो है पूरी तरीके से तो हमको नहीं लगता है कि एग्री कर पाएगा क्योंकि 20% हिस्सा जो है वो रसिया कब्जाया हुआ है। नमस्कार। नाउ ट्रम्प्स रसिया यूक्रेन पीस प्लान, हियर व्हाट्स हिज प्लान आर टू फ्रीज द वॉर। यहाँ पे देखिए ट्रम्प और ट्रम्प का जो प्लान है रसिया यूक्रेन पीस को लेके, वो दुनिया हैरान हो गई है सुन के। तो इसी बारे में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रम्प का ऐसा क्या प्लान है जिससे लोग शॉक हो गए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि मैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, फिर जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जानने को मिला है ट्रम्प का जो प्लान है वो रसिया यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला है, रूस यूक्रेन युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया प्लान। रसिया यूक्रेन वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो पद की शपथ